हेलो दोस्तों गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म वंस अगेन स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जहां पर हम लोग करते हैं हर रोज सी का पेपर सॉल्यूशन हमने सी 20 एटीन पूरा कर लिया है और ट्वेंटी सेवेंटीन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है ट्वेंटी सिक्स कर रहे हैं ट्वेंटी एट तक है ट्वेंटी सिक्स मार्च हम लोग कर रहे हैं ट्वेंटी एट मार्च तक ही पेपर्स हुए तो ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाले हैं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस को और हर रोज हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं ये ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वेदर इट इज़ सी जी एल सी एच एस एल्स टेनो कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे 25 क्वेश्चन उन सभी पैटर्न पे बेस्ड आते हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं तो सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन शुरू करने से पहले बहुत सिंपल सी जो बात आप लोगों को याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमारा जो आ, पेपर है उसको हर बार आप लोगों को मार्क्स देते रहना है राइट हर क्वेश्चन में आपको मार्क्स देते रहना है और अपनी जो कोई भी कमी कमी है या कोई भी कन, कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है तो उसको आप अभी हैंड टू हैंड ही कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए और ट्राई करिए हर क्वेश्चन को आप लोग फाइव से सेवन सेकेंड्स के अंदर आंसर कर सकें जिससे कि आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें एग्जाम को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इंडस्ट्रीज़ शुड रेगुलरली चेक इंडस्ट्रीज़ को रेगुलरली नियमित रूप से चेक करना चाहिए इफ दे आर मशीन्स आर एमिटिंग स्मोक विद इन परमिशन लिमिट कि उनकी जो मशीन्स है वो परमिशन लिमिट्स परमिशन लिमिट्स यानी जितनी लिमिट दी हुई है उतनी लिमिट्स के अंदर अंदर ही एमिट कर रही है धुआं या उससे कहीं ज्यादा ये चेक कर लेना चाहिए राइट अब यहाँ पे परमिशन लिमिट है ना ये परमिशन की जगह हमें क्या करना होगा परमिटेड करना होगा डी पार्ट की बात कर रही हूं मैं सी पार्ट की यहाँ पे नाउन है नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव और हमें यहाँ पे क्या चाहिए एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि नाउन ऑलरेडी आ गया राइट right? तो परमिशन लिमिट की जगह पे हमें परमिटेड लिमिट्स परमिट किए गए लिमिट में विद इन विद इन क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए होता है तो इसका नाउन ये लिमिट है और ये हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए राइट right? तो क्वेश्चन नंबर वन राइट आंसर इज थ्री परमिशन की जगह हमें परमिटेड कर देना है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज टू क्वेश्चन आर फोकस इज टू डेवलप हमारा फोकस है डेवलप करना एंड नर्चर करना नर्चर करना यानी उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते रहना कैरी करते रहना केयर करते रहना और डेमोक्रेटिक एंड अकोमोडेटिव स्पेस ऑफ प्लेटफॉर्म ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था पब्लिक यानी स्पेस या प्लेटफॉर्म वेर एवर वी गो जहां पे भी वी जाए सो दैट ऑल काइंड ऑफ आर्ट्स कैन फ्लरिश वेर एवर वी गो सो दैट ऑल काइंड ऑफ की जहाँ पे भी हम जाए इससे क्या हो ताकि हर तरीके के आर्ट्स जो है वो फ्लरिश हो सके हर तरीके के आर्ट्स जो है वो फ्लरिश हो सके तो काइंड ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पर है ना काइंड है क्योंकि हमारा तो या तो हम इसको काइंड ऑफ आर्ट्स कर दें राइट right? तो ये सही हो जाएगा या फिर हम इसको काइंड ऑफ आर्ट कर दें तो भी सही हो जाएगा लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है ऑल लिखा हुआ है और आर्ट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ड्राइंग है राइटिंग uh, है स्पीकिंग है ये सब क्या है ये सब आर्ट है तो ये हमें बताना आर्ट्स होना चाहिए या आर्ट तो आर्ट ही रहता है जनरली तो इट हैज़ टू बी काइंड ऑफ आर्ट बस इतना करेंगे तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी सी ऑप्शन जो है वो गलत है क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं द ओल्ड मैन वॉज डैश एंड पुअर ओल्ड मैन जो था वो डैश था और पुअर था डैश था यानी कंफर्म था कैस में कंफर्म आ सकता है अगर आप कंफर्म होते तो आप श्योर sure होते हैं सर्टन होते हैं यानी कि आप श्योर हैं सर्टन हैं यानी कि आपको यकीन है, यकीन है उसको या फिर इनफॉर्म इनफॉर्म कैसे बना फॉर्म यानी स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड और इनफॉर्म यानी पुअर वीक कमजोर नेक्स्ट इज इन्फर इन्फर करना यानी क्या होता है इन्फर करना यानी होता है सजेस्ट करना राइट right? इन्फर करना यानी होता है इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली कोई सजेशन देना बात कहना लग्जूरियस अगर कोई चीज लग्जूरियस है तो कैसी है रिच है लश है ये सब इसके सुनाने में और एग्जाम में आते हैं रिच है लश है, lush है अप्यूलेंट है अफ्लुएंट है और क्या है वेल्दी है राइट right, ये सारे वर्ड्स इसके सेना में हो जाएंगे तो हमें बताना है रिच ओल्ड मैन कैसा था ओल्ड मैन कैसा था पुअर था तो पुअर एंड लग्जरियस नहीं लिख सकते दोनों एक साथ में नहीं हो सकते इनफर तो आएगा ही नहीं वर्ब है इनफॉर्म था या कन्फर्म था तो अगर हम कन्फर्म भी लिख सकते लेकिन कन्फर्म और पुअर था ये सेंस नहीं देगा राइट तो हमें दोनों देखना होता है सेंस भी और मीनिंग सॉरी सेंस भी और वर्ड भी तो सेंस देखने के अनुसार कन्फर्म तो यहां पे नहीं आएगा राइट आंसर इज इनफॉर्म हेअर इनफॉर्म था और पुअर था एक ही बात कही जा रही है सैड एंड अनहैप्पी ही वॉज सैड एंड डिस्ट्रेस्ड ही वॉज सैड एंड पेंसिव राइट right? तो ऐसे करके एक ही एडजेक्टिव एक ही तरीके के दो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुए मॉल right? मॉल के एक ही शॉप में उसने सारे मनी को डैश कर दिया क्या कर दिया मनी को इग्नोर किया जा सकता है क्या या स्पेंट या गिवन या लॉन लॉन ये वो वाला लॉन है एल ए डब्ल्यू एन लॉन क्या होता है गार्डन और लोन जो होता है एल ओ एन होता है तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया उसने गिवन कर दिया मनी को एक ही मॉल में गिवन कर दिया तो मॉल में उसने खर्च किया होगा पैसा राइट तो उसने स्पेंड किया जो सबसे अप्रोप्रिएट है उसी को हम रखेंगे तो राइट आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा वन जीरो फोर डन होता है 105 पे चलते हैं ये रहा हमारा वर्ड है स्कुलिटी हमें पता होना चाहिए जनरली हमें ये सारे वर्ड आते होंगे लेकिन क्योंकि थोड़ा सा आ, अलग है बस हमें इसके सनानिम्स पता होंगे तो सनानिम्स के बेस पे हम इसको कर लेंगे राइट चलिए देखते हैं ये वर्ड स्कॉलिटीटी वर्ड है ना इसका मीनिंग देखो नाउन आई टी जुड़ा हुआ है यूज ऑफ अब्यूसिव वर्ड्स अब्यूसिव वर्ड्स का यूज करना या हार्श शब्दों का यूज करना अब्यूसिव हार्श वर्ड्स का यूज करना ओके okay? या फिर रूडली बिहेव करना दैट इज इसका रिलेटेड गॉडलीनेस क्या होता है ईश्वर से रिलेटेड यानी बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्योरिटी के साथ पायसनेस के साथ ये दोनों सेम शब्द है राइट तो ये दोनों सेम हो गए रेवरेंस क्या होता है रिस्पेक्ट क्या होता है रिस्पेक्ट करना किसी को ऑनर करना किसी को सम्मान करना राइट और अट्रॉसिटी एट्रॉसिटी क्या होता है किसी को हीमिलट करना इंसल्ट करना किसी को बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क करना किसी को कॉमेंट करना इरीटेटिंग कॉमेंट करना है ना तो दैट इज़ हार्शली बोलना अब्यूजिवली बोलना या रॉन्गली बोलना तो ये सारे जो है कम्यूनिटी के अट्रॉसिटी यहाँ पे स्नानिम हो जाएगा हमें स्नानिम ढूंढना है ये सब जो है ये अलग वर्ड है इसके अपोजिट में आएंगे राइटेंटी टू जीरो तो फाइव 20, uh, यहाँ पे खत्म होता है अट्रॉसिटी इसका आंसर है नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंग्वाइन सेंग्वाइन फीलिंग राइट या फिर सेंगाइन फीलिंग है या फिर सेंगाइन पर्सन यानी बहुत ही हैप्पी पर्सन बहुत ही चेयरफुल पर्सन सेंगाइन इज अम टू चेयरफुल अगर कोई पर्सन चेयरफुल है तो वो affable है लवेबल है अडोरेबल है happening है है, है, राइट या फ्लैम है बहुत ही अच्छा बहुत ही अपीलिंग बहुत ही ऐसा पर्सन जिसका प्रेजेंस आप अनुभव कर सके पेल यानी क्या होता है वीक हो सकता है फीवल हो सकता है और हाँ फीवुल हो सकता है वोकलाइज वोकलाइज बोलना ये हो गया आंसर फुलिश right है तो सिली है या फिर माइंडलेस है, है, है तो है ये सारे वर्ड्स उसके स्नानिम हो जाएंगे तो सेंगे आंसर वॉयट होगा क्योंकि स्नानिम करना है इसी के साथ टू जीरो सिक्स यहाँ पे खत्म होता है टू जीरो सेवन पर हम लोग आते हैं वर्डेंट है वर्डेंट का हमें स्नानिम एंड बताना है ग्रासी लश डाइंग या फ्रेश देखो यहाँ पे ग्रासी है है ना अगर गार्डन ग्रासी है तो लश ग्रीन गार्डन बोलते हैं ना Lush green का मतलब क्या होता है खूब ज्यादा ग्रीनरी है यानी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीनरी है बहुत अधिक मात्रा में ग्रीनरी है यानी कि कैसा है ग्रासी है लश है ग्रीन है राइट और रिच है रिच गार्डन मतलब रिच मतलब सिर्फ पैसा नहीं रिच अगर है तो क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो सकता है रिच गार्डन यानी ग्रीन गार्डन तो ग्रास के लिए इसी में हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं लग्जूरियस अभी आया था लग्जूरियस वर्ड आगे पीछे हमने कहीं पे करा था लग्जूरियस है ग्रीन है रिच है अप्यूलेंट है वेल्दी है, है ये सारे वर्ड इसके में लश इसी का सरानिम होगा फ्रेश ग्रीन इसी का सरानिम होगा तो डाइंग डाइंग का मतलब क्या होता है डिकेइंग अगर पौधों की बात करें पौधे डर, डर आ, डाई uh, हो रहे हैं तो डिके हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं विदर हो रहे हैं, यानी कि सूख रहे हैं, मुरझा रहे मैंने लिख दिया डिस्ट्रक्टिंग भी हो सकता है ठीक है ये सब सुनाने में तो वर्डेंट यानी रिच यानी ग्रीन यानी लश यानी अप्यूलेंट यानी फ्लूट यानी कि बहुत ही हरा भरा ओके और ग्रासी हरा भरा लश हरा भरा फ्रेश हरा भरा और एक word है तो आपसे जो जो अच्छा लगे लाइक करिएगा अगर चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को सो दैट क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वीडियो है जो आपके लिए बनाए गए तो जरूर से देखें इन सारे वीडियोज को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम हो कंफ्यूजन हो वैसे मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे

आप वर्जिन है वर्जिन का मतलब किसी के भी काम को पहली बार आपने अभी तक नहीं किया और अब करने वाले हैं राइट तो आप बिगिनर हैं, आप रिक्रूट हैं, आप नियोफाइट हैं, आप नोवाइस हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट तो अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट ऑप्शन बाकी सब तो सिमिलर में प्रोफेशनल अगर प्रोफेशनल तो वो एक्सपर्ट है वो उस चीज में काफी अनुभवी है वेटर है काफी एक्सपर्टीज है उसको एक्सपीरियंस्ड है तो अपोजिट हो जाएगा ये हमें अपोजिट ढूंढना है एट का राइट आंसर फोर होगा नाइन क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं वो का एक सेक्शन खत्म हो चुका है अब आएगा पैरा जम्बल मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया जो कैंपेन था उसकी बात हो रही है इज नॉट मेयर सिर्फ मेयर मतलब सिर्फ सिर्फ ये ही नहीं है क्या अकम्पलिस्ड आएगा क्या हाँ यहाँ पे यहां पे क्या आना चाहिए नॉट एडजेक्टिव आ गया इसके लिए नाउन आना ना चाहिए तो अकम्प्लिश्ड तो होगा नहीं यहां पर और कमिटमेंट ना सिर्फ कमिटमेंट है या फिर स्लोगन क्या था मेक इन इंडिया स्लोगन था राइट बट अब मिशन टू बी बी के बाद थर्ड आता है तो क्यू पी पेयर बनेगा यहाँ पे नहीं है यहां पे नहीं है यहां पे भी नहीं है तो राइट right आंसर हमारा क्या होगा फोर होगा बस इतना देख लिया क्यू पी आर राइट

अब बी के बाद हमेशा क्या आता है थर्ड फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटर्न रिटर्न थर्ड वन ये तो हमारा सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया राइट right आंसर का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा टेन क्वेश्चन आज के हमने खत्म कर लिए हैं पंद्रह क्वेश्चन और बाकी हैं सेशन अच्छा लगे लाइक like जरूर करिए पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं गोपाल सैट टू हिज फ्रेंड्स है ना सेट टू को चेंज करेंगे यहां देखेंगे यहाँ पे इसको चेंज करना ये देखिए हेल्पिंग हेल्पिंग स्टार्ट स्टार्ट हो हो रहा रहा है रहा है यानी प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ सबसे पहले वाला है ना कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा या तो इफ या फिर वेदर अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये वेदर ही आएगा अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता तो कोई कनेक्टिव नहीं आता अगर वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट होता तो कनेक्टिव होता हमारा टू

Whether they were angry. ये दोनों काट चुके हैं इसमें आर है लास्ट में देख लीजिए तो गलत राइट आंसर हमारा फोर होगा इंटरप्शन का स्पेलिंग है इंटरप्शन इंटर भी बोला जाता है रप्शन भी बोला जाता है दोनों आर का इस्तेमाल होता है तो दो आर आएंगे यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है इंटरप शन, interruption, बहुत आसान स्पेलिंग है इसमें किसी की गलती नहीं होनी चाहिए शन जो है वो आता ही है लास्ट में टी आई ओ एन उसका स्पेलिंग होता है इंटर का पूरा स्पेलिंग ऑन द रप ओके टू ट्वेल्व यहाँ पे खत्म होता है थर्टीन हमारा पैसेज है बहुत आराम से हम लोग पैसेज को करेंगे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ऑफ के बाद ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए होता है आगे भी प्रेपोजिशन है यानी उसके लिए अगला नाउन आ जाएगा तो ऑफ के पहले हमें एक प्रेपोजिशन लगाना नाउन लगाना है इसमें अलवा आया है ये हमारा एडवर्ब है ये एफिशिएंसी नाउन है ये इसका आंसर हो सकता है एफिशियंसीज ये भी नाउन है एफिशियंट हमारा एडजेक्टिव है अब हमें देखना पड़ेगा एफिशियंसी या एफिशियंसी इनसफिशियंटली नरिश मीन लो ग्रेड ऑफ एफिशियंसी आएगा बहुत सारे एफिशियंसी की बात नहीं हो रही जनरल सेंस में कहा जा रहा है तो हम लोग राइट आंसर थ्री रखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट में क्या है वी विल लुक अपॉन वी विल विल हमारा मॉडल है लुक हमारा वर्ब है यानी एडवर्ब चाहिए देन हमारा कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है इफ हमारा कंजंक्शन होता है सो so हमारा कंजंक्शन होता है देन बताता है समय समय बताने वाले शब्द क्या होते हैं एडवर्व तो यहाँ पे क्या चाहिए एडवर्व इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे मॉडल और वर्व फर्स्ट के बीच में एडवर्व आ सकता है राइट तो दो क्वेश्चन हो गए दोनों क्वेश्चन को हमने कर लिया फाइव लाइन को हमने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे लाइन नंबर सिक्स में है ऑफ आ गया है अना अदर लिखा हुआ है अदर लिखा हुआ है ऑफ के बाद अदर का आ रहा है यानी कि हमें हिंट मिल रहा है प्रोनाउन आएगा क्योंकि ऑफ के बाद हमें क्या चाहिए नाउन चाहिए नाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है अदर का कंपैरिजन अदर का एक पेयर होता है किसके साथ के साथ ऑफ ईच अदर आ जाएगा ऑफ वन ओनली अदर अदर नहीं आएगा, अदर नहीं आएगा आएगा एवरी अदर भी नहीं आएगा राइट चलिए इसी के साथ अगले वाले पे चलते हैं वन ये रहा एक्टिविटीज इन द अदर यहां पे कॉमा के बाद हमें लिखना है कुछ इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टूगेदर एटलीस्ट सो फार एज दिस लाइफ इज कंसर्ट जितनी की इस लाइफ एंड एंड आ गया है आगे में एंड आ गया है एंड आ गया है तो ये नहीं आएगा है ना एक लाइन खत्म हो रही है कंजंक्शन चाहिए ये कोई कंजंक्शन है ही नहीं ये कोई कंजंक्शन नहीं है ये कोई कंजंक्शन नहीं कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है कैसा वर्ड दे रखे बहुत आराम से पता चलेगा क्या आएगा बोथ कंजंक्शन चाहिए बोथ आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पैसेज के लास्ट क्वेश्चन ये रहा गेटिंग इट्स डेस इसके डैश को गेट करें किसको गेट कर रहे हैं डैश को गेट कर रहे हैं नाउन आएगा सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव है सिग्निफिकेंटली हमारा एडवर्ब है राइट दो चीज हो गई सिग्निफिकेंस Significance और सिग्निफिकेंसिस दोनों नाउन है अब हमें देखना है सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा इट्स आ गया इसके तो इसका सिंगुलर का सिग्निफिकेंस होगा या सिग्निफिकेंस होगा और सिग्निफिकेंस हमारा अनकाउंटेबल है एस नहीं लगता है तो ये तो गलत हो ही गया राइट आंसर इज टू तो गाइजे देखिए यहाँ पे देखिए हमने पूरे के पूरे फाइव क्वेश्चन कर लिए पर एक शब्द भी हमने पैसेज का नहीं पढ़ा है और ऐसे ही हमें करना है इसका एक वीडियो आ रहा है कल शाम को जिसको आप लोग बहुत इतमान के साथ तसल्ली के साथ देखिएगा जितने कन्फ्यूजन होते हैं वो सब वहां पे दूर हो जाएंगे कुछ लोगों को वोकैब को लेके भी परेशानी है कि वोकैब वाले कन्फ्यूजन में क्रोस टेस्ट में कैसे कन्फ्यूजन को दूर करें वो भी वहां पे है जरूर से देखिएगा वीडियो को आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ये रहा अगला क्रॉस दैट ब्रिज when यू कम टू इट अरे ब्रिज तभी ना क्रॉस करोगे जब आपके सामने आएगा पहले से उसे प्लान करने से क्या होगा सेम है डील प्रॉब्लम वेन यू वेन एंड इफ इटे जब वो आए जब वो सामने आए अगर वो आएगा तभी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना अदरवाइज उसके बारे में सोचने से कोई पॉइंट नहीं है ये बोला जा रहा है इसमें

Who told me? A little bird. किसने मुझे बताया bird ने मुझे ये सब कुछ बता दिया चलिए fanatical, fanatical है, है, religious, political और अपने कोई भी ideas हो किसी भी type के ideas हो उसको persuade करने के लिए पाने के लिए वो थोड़ा सा uncompromising है जिद्दी सा है और सन की सा है नहीं जो चाहिए वो ही चाहिए यानी कुछ ज्यादा ही अपनी चीजों के लिए क्या ओवर एक्साइटेड एक्साइटेड भी नहीं बोलूंगी मैंने ओवर एक्साइटेड बोला ओवर एक्साइटेड है ओवरवेलमिंग है कैसा है ओवरवेलमिंग है ओवर एक्साइटेड है कोई पर्सन या एक्सट्रीमिस्ट है कुछ ज्यादा ही करने वाला एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है राइट तो जीलट जीलट वर्ड किससे बना है जील से बना हुआ हैत्साह अगर कोई पर्सन है को ओवर एक्साइटमेंट को शो करने वाला एक्स्ट्रीम, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहता है मेजो, और ये तीनों वर्ड्स है इनका मतलब क्या होता है इनका मतलब होता है एवरेज एक अंदाजन है ना जिसे हम बोलते हैं ना अंदाजन इतना तो होगा ही तो बिटविक मतलब बिटविक्स यानी कि इतने से इतने के बीच में अंदाजा हो जाएगा इतना तो मेजो और एवरेज और मिडाल ये सब ये सब सिनन में आपस में जीलेट इसका राइट right आंसर है चलिए अगले वाले में चलते हैं ट्वेंटी वन पे ट्वेंटी वन देखिए शो सॉरी स्लो है स्लो और केयरफुल मूवमेंट और थॉट बहुत केयरफुली लिया गया कोई स्टेप या कोई आइडिया या कोई थॉट या कोई विचार उसको क्या कहते हैं वैक्यस है अटर है डेलिब्रेशन है और Coherence है, राइट right? तो वैकस क्या होता है सबसे पहले अटर को देखते हैं अटर जो हमारा शब्द है इसको सबके सुनने आते जाते होंगे आप सभी को अटर यानी क्या होता है अटर यानी होता है स्पीक से मुंह से कोई शब्द निकालना दैट कॉल्ड अटरिंग उसे क्या कहते हैं अटरिंग कहते हैं कॉरन्स कॉरन्स है अगर यहाँ पे एक पैसेज है पैराग्राफ है यहाँ पे यहाँ पे एक पैराग्राफ है पैराग्राफ है आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो इस पैराग्राफ में और इस राइटिंग में पैराग्राफ में आपस में जुड़ाव होना चाहिए कनेक्शन होना चाहिए कॉरन्स होना चाहिए आपस में उन दोनों में एक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए तो कॉरन्स यानी यूनिटी यूनियन जुड़ाव है ना कनेक्शन ये होता है डेलीबरेशन और वैकस अब दो वर्ड्स हैं जो आप नहीं जानते अगर आप वैकस हैं तो आप कैसे हैं सिली हैं अगर आप वैकेस हैं तो आप सिली हैं यानी कि आप क्या हो गए सेंसलेस हो गए आप क्या हो गए माइंडलेस हो गए कोई ऐसा काम जिसमें दिमाग लगा के आपने नहीं किया या कोई इडियोटिक टास्क कर दिया बेवकूफी भरा फूलिश टास्क कर दिया तब कहा जाता है ये वर्ड राइट अब बचता है डेलिबरेशन स्लो एंड करफुल मूवमेंट ठीक है और थॉट तो डेलिब्रेशन क्या होता है डेलिब्रेशन होता है थॉट सोच समझ के लिया गया स्टेप या थॉट इज कॉल्ड डेलीबरेशन राइट तो इसका राइट आंसर डेलीबरेशन हो जाएगा इसी के साथ 121 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है 122 पे आते हैं हस्बैंड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ हैव नहीं आएगा तो गलत है नो no एरर को हम सबसे पहले काटेंगे हैड है हैड है, है दोनों में तीनों में तो सही तो तीनों है लेकिन हैड के साथ वर्व का फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आता है वर्व का फोर्थ फॉर्म कभी भी नहीं आता है वर्व का सेकेंड फॉर्म भी कभी भी नहीं आता है क्या आता है हमेशा वफ का थर्ड फॉर्म हमेशा वफ का थर्ड फॉर्म आता है तो बस इस बात को ध्यान रखेंगे हैव है, नहीं आ सकता पास्ट है। में हैड ही आएगा अब हैड के बाद वफ का थर्ड फॉर्म आता है कि नहीं आता है? आता है अब कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो ये बता रहा प्रेजेंट का तो हैज नहीं आएगा राइट right? हैड के साथ आईएनजी नहीं आता है, अभी भी पढ़ा है ये बोला जा रहा है अगर हम लोग वॉज बीन उसको ले जाया गया था तो सेंस को बदल देगा बी प्लस वफ थर्ड पैसिव कर देता है इसलिए इसको भी नहीं लेंगे इसी के साथ 123 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया आते हैं नेक्स्ट पे आई एम कंपेल्ड टू टू आ रहा है टू अपने साथ व फर्स्ट फॉर्म लेता है जो कि ये नहीं है ये नहीं है ये है सो राइट आंसर शुड बी स्टार्टिंग विद सी राइट कुछ नहीं पढ़ा पर हमारा ये देखो ये सब कंसेप्ट है ग्रामर है ये कंसेप्ट से हमने क्वेश्चन करा है और इसी तरीके से पैरा जम्बल की प्रैक्टिस करनी है इसी के साथ 124 भी खत्म होता है आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है न्योलिथिक न्यूलिथिक का स्पेलिंग न्यू तो ये हो गया एल आई टी एच आई सी होता है के नहीं लगेगा तो न्योलिथिक एन ई -E एल आई टी एच आई सी इसी के साथ ऑल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं और ख़त्म होने के साथ अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे अपना स्कोर कार्ड बताएं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा और कोई भी कंफ्यूजन हो कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें राइट right? इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं मिलेंगे एक और अच्छे वाले सेशन में और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने नहीं किया थैंक यू वेरी मच